हरे कृष्ण। तो ये जो सुंदर मंदिर में जहाँ एकत्रित हुए हैं श्री श्री मदन गोपाल जी, जो साक्षात चैतन्य महाप्रभु के पिता नीलम्बर चक्रवर्ती द्वारा सेवित है, पिछले 500 साल से ये सेवा चलती आ रही है। तुम्हारा हो भाग्य है कि वो विग्रह जो डायरेक्टली जगन्नाथ मिश्रा जी बड़े प्रेम से नीलम्बर चक्रवर्ती सची माता के पिता नीलम्बर चक्रवर्ती जिनका विक्रम देख रहे हैं, तो उनके द्वारा सेवित जो कृष्णलीला में गर्गाचार्य गर्ग ऋषि, और उन्होंने ही भगवान का नामकरण किया, उन्होंने उनका कुंडली निकाला, और यही सेवा महाप्रभु के लीला में शची माता के पिता नीलम्बर चक्रवर्ती भी किए। ये उनका ही स्थान था। यहाँ बलदेव प्रभु अभी आते वक्त बता रहे थे, यहाँ नीलम्बर चक्रवर्ती ने अपना एक स्कूल खोला और स्कूल में से गोपाल गार्डन जैसे और उस स्कूल में एक विद्यार्थी थे जगन्नाथ मिश्रा, और जगन्नाथ मिश्रा से इतने प्रभावित हुए कि अपनी पुत्री जो थी शची माता शची देवी, उनका विवाह जगन्नाथ मिश्रा से कराया। तो ये बहुत ही खास विग्रह है जो नीलम्बर चक्रवर्ती द्वारा सेवित है। अभी जिस द्वीप में हम आए हैं ये रुद्र द्वीप बोला, तो हम देखेंगे नवद्वीप में ऐसे 8 अष्ट पंखुड़ियों वाला अष्टदल का एक कमल है, और बीच में अंतर द्वीप, और ऊपर से शुरू होता है सीमंत द्वीप से शुरू होता है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम बाधे सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम, और ये जो है ये सख्य जो नवदा भक्ति का सख्य यानी भगवान को अपना सखा के रूप में, हालांकि हम उस स्तर पर नहीं है कि सखा के रूप में हम माने, पर हम जानते हैं कि उनसे बढ़कर हमारा कोई सखा नहीं। सर्वस्विता हम हरि सन्निविष्ट, ये संसार में कई सखा आएंगे सखा जाएंगे, और हमको लगेगा इनकी बिना हम रह नहीं सकते, पर एक ना एक दिन सबको जाना है, पता नहीं कि कहाँ जाएंगे, हम कौन है वो कौन। जैसे गोपाल समझाते हैं कि नदी के प्रवाह में कभी कभी दो लकड़ियां तैरते तैरते एकदम साथ में आ जाती है और हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं, हर आत्मा उतरता रहता है, पर एक आत्मा जो हमेशा हमेशा के साथ में रहते हैं और सबसे निकट, इससे निकट और कोई हो नहीं सकता, इनसे शुभ चिंतक और कोई नहीं हो सकता, और वो है सर्वस्वता हम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहन। वो अपोहन भूलना उनको करते हैं जो नहीं चाहते हैं उनसे संबंध, पर जो करना चाहे तो उनको ज्ञान और स्मरण भी देते हैं, तो उनसे अच्छा हृदय सरल होता ना, उनसे अच्छा सौहार्द, उनसे भूल कर ही हम इस भौतिक संसार में आ गए। लद्वा सदुर्लभ मिलम बहुसंभवान थे, और अब जो मनुष्य जीवन मिला है और गुरु परंपरा से संपर्क में आए हैं, तो ये बहुत सुंदर स्थान है जहाँ की बेटी अपने सर पे लेकर रथ को अपने सर पर लेकर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु भूला भटका मैं अभी आपके फिर से चरण में आया हूँ, अब भले मैं भूल जाऊं बट आप मुझे पकड़ के लाइए, भूल भी गया तो इसलिए हम सीधा रहते हैं पकड़ के लाना। तो ये स्थान बहुत ही योग्य स्थान है ये प्रार्थना करने के लिए कि हम पूर्ण रूप से भगवान को ही अपना सर्वस्व, तुम्हें माता च पिता तुम्हें व तुम्हें वो बंधुष सखा तुम्हें, तो यही हमारे असली सखा है, और इनके साथ साख्य भाव के लिए प्रार्थना करना
और इससे नवद्वीप धाम में खास करके रुद्रद्वीप में आकर ये प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली, तो ये हम प्रार्थना कर सकते हैं और उनके संबंध में दूसरों का साक्षर देखना। जैसा हम प्रभुपाद कहते हैं, जब एक स्त्री का विवाह एक पुरुष से होता है तो उसके जितने सारे सगे संबंधी हैं इनके संबंध हो जाते हैं और वो सारे संबंधियों का केंद्र पति है। इसी तरह से तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रगति, जब भगवान के साथ अपना साक्ष्य हम स्वीकार करते हैं, घोषित करते हैं, तब पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम असली रूप में वसुधैव कुटुंबकम तभी होगा जब हम भगवान की द फादरहुड ऑफ गॉड देन देयर विल बी द ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड। तो ये एक स्थान है और ये नाम रुद्रद्वीप, रुद्र यानी शिव, तो ये एक ऐसा स्थान है जहां बहुत सारी लीलाएं शिव जी ने की है। श्री कृष्ण के संबंध में निमाय गौरांग महाप्रभु के संबंध में और उनके असंख्य भक्तों के संबंध में अद्भुत और अनंत लीलाएं यहां होती है और शिव जी शाश्वत रूप से यहां निवास करते हैं इस द्वीप में। वैष्णव संप्रदाय के जो चार प्रमुख संप्रदाय हैं, उस चार संप्रदाय के तीन संप्रदाय के आचार्य प्रमुख संस्थापक आचार्य यहां आए थे और यहां उनको कृपा मिली और यहां से प्रेरित होकर वो पूरे चारों दिशाओं में भ्रमण किए और वैष्णव सिद्धांत का उन्होंने प्रचार किया। और एक खास व्यक्ति यहां हमेशा निवास करते हैं और वो है दुर्वास मुनि। दुर्वास मुनि बोलते ही हमको कम से कम दो खास कथाएं तुरंत याद आएगी। दुर्वास मुनि को समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो शिव जी के अंश हैं, तो नाक के ऊपर गुस्सा जल्दी खुश हो जाते हैं। शिव जी आशुतोष भोलेनाथ बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा ले आ जाता है। दुर्वास मुनि ऐसे ही और उनकी लीला अद्भुत होती है, समझना बड़ा मुश्किल। जैसे शिव जी को समझना बड़ा मुश्किल है वैसे दुर्वास मुनि अत्रि और अनुसुया के पुत्र दुर्वास मुनि जो थे, एक ही नाम जानते हैं, कैसे दुर्योधन ने उनको खिला पिला के बना दिया और द्रौपदी के पास भेज दिया दोपहर के समय, जब वो अक्षय पात्र से, जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी तब तक अक्षय पात्र देता था, लाखों को खिला सकता है, ये यात्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमारे पास अक्षय पात्र होता कोई कुक का जरूरत नहीं, बस सर्विंग करते रहो अपने आप, काय बने तुम्हारा जो तुम बोलोगे वो निकलेगा, दो गुलाब जामुन हो गए फिर तुमको राइस राइस फिर दाल दाल, मतलब एक व्यक्ति एक चम्मच ले पकड़ लाइन लंबा होता था। पर शर्त ये था कि जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक वो देता रहे, द्रौपदी के खाने के बाद अगले दिन बस। और जब और वो सबको खिलाती थी, सब ऋषि मुनियों को खिला के फिर अपने पतियों को खिलाती थी, उसके बाद लास्ट में वो लेती थी और उसके बाद दुर्वास मुनि आए, वो कथा हमें मालूम। अब दुर्योधन ने खास भेजा था एक नहीं 7,000 शिष्यों के साथ और हम जानते हैं किस तरह से द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बचा दिया। एक एक दाना खाकर डकार मार दिया, यस्मिन् तुष्टे जगत् तुष्टः। और एक अद्भुत प्रसंग जो दुर्वास मुनि के स्मरण में आता है भागवत के संबंध में, वो है अम्बरीश महाराज का अद्भुत लीला। अम्बरीश महाराज योगी है, सर्वोच्च योगी है, प्रभुपाद लिखते हैं दैट ही वाज नॉट अ प्योर डिवोटी, ही वाज अ योगी एंड ही वाज चैलेंजिंग द ग्रेट डिवोटी अम्बरीश महाराज। आए और प्रसंग मालूम है किस तरह से जानबूझ के, अभी थोड़ा लेट हुआ
और जब उन्होंने पानी पी लिया, क्योंकि पूरे राज्य के कल्याण के हेतु वो व्रत कर रहे थे अम्बरीश महाराज, तो व्रत को तोड़ना जरूरी है, थोड़े महीना वो पूरा नहीं हो गया व्रत, थोड़ा तो तकलीफ नहीं, थोड़ा तो तकलीफ, और इसीलिए थोड़ा पानी लिए, तो है भी नहीं लिया, चिंता भेदा भेद अच्छी उसी समय आ गए और बाल की एक गुच्छा निकाल कर नीचे पटके, और उसमें ऐसा खतरनाक असुर आ गया और पूरे नष्ट करना अम्बरीश महाराज, और फिर अम्बरीश को तो नष्ट करना, वो तो सुदर्शन चक्र से सुरक्षित थे वो, और इसीलिए सुदर्शन न तो केवल उस असुर का गला काटा, पर अम्बरीश महाराज के पीछे पड़ गया, अरे दुर्वास मुनि के पीछे पड़ गया, भाग रहे भाग रहे, शिव जी के पास गए, सॉरी ये खतरनाक, वो सुदर्शन लगा हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी के पास गए कुछ नहीं हुआ, फिर गए विष्णु लोक में, भगवान भी बोले मेरे हाथ से निकलने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल, अभी इसका कंट्रोल जिसके लिए भेजा हूं वही कुछ कर सकता, और तब जाके पैर पड़े अम्बरीश महाराज और बोले वैष्णव की आज मुझे महिमा समझने, वैष्णव की महिमा आज मुझे समझना। ये कथा पहली बार मैंने पुणे में 1990 में सुना राधाना स्वामी महाराज जी के मुख से, तो मेरे मन में एक विचार आया, वो बोल रहे थे कि सुदर्शन चक्र ऐसे पीछे पड़ा हुआ था कि उनका पीठ जल रहा था, फिर ब्रह्मा जी को प्रार्थना किए, शिव जी को जाके प्रार्थना किए, लंबा लंबा प्रार्थना, तो मेरे मन में एक विचार आया पीछे काट देना था ना, तो जल रहा था इतना भाग रहा, इतने भाग रहे एक एक साथ में भाग, क्यों ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगा गड़ा सुन पता आपको बहुत ऊंचा समझता है क्या एमएससी कर लिया तो क्या समझता है चुपचाप बैठ क्या तो विधि प्रदूषण लगा तो बता दो और मैंने चुप बैठ गया जैसा प्रवचन खत्म हुआ महाराज ने पूछा जाना माता जी थी बोले किसी का कोई प्रश्न है तो सत्यवती माता जी ने हाथ उठाया सत्यवती महाराज का छोटा सा लड़का सा 8 साल उसमें 6 साल का हो घोड़ा तो उसने उनके कान में खुश खुश क्या बोला बता बोले महाराज माय सन गौरांग हैज अ क्वेश्चन यस महाराज इफ द व्हील वाज चेजिंग सो क्लोज बाय बोला परमात्मा देखो साथे भाव से क्यों इच्छा करो कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेगा और उसका उत्तर मिल ही जाएगा भागवत को समझना ऊंची बात है मैं बोला अभी देखो ऐसा पट डाला है कि महाराज जी कैसे उत्तर देंगे देखें और महाराज जी मुस्कुराए मैं बोले हो गौरांग इज वेरी इंटेलिजेंट वो ठीक है उत्तर उत्तर और महाराज ने जो उत्तर दिया बोले सुदर्शन सुदर्शन का मतलब है वो देख के काम करता अंधाधुन ऐसा मिसाइल नहीं है जाके फोड़ देगा और बाद में पता चलेगा किसको फोड़ा मैंने बोले सुदर्शन सोचता जब भी दुर्वास मुनि नम्र होके झुक के प्रणाम करते थे बोले सुधर गया है ठीक खड़े और जब भागते थे अगर वो भी अम्बरीश महाराज जैसे चुपचाप खड़े रहते और शरण जाते तो सुदर्शन वहीं रुक जाता ये भाग रहे हैं उससे भाग रहे तो छोड़ो मरिए जितना दूर भागोगे उतना पीछे पीछे आएगा जितने पास आओगे उतना आपको सहायता करेगा सुदर्शन चक्र हो मैं बोला अभी ये महाराज से मेरे को दीक्षा लेना है ये बताना सही जवाब तो वो दुर्वास मुनि इतने सारे अद्भुत सब लीलाएं कर कर अंत में बोले बहुत हो गया लीला लाल पीला हो गया मैं अभी अब मुझे एक जगह जाके परमानेंटली सेटल होना है और योगी वोगी सब छोड़ो योगी नाम की सर्वेशम मद्गते नाम तरात्मना श्रद्धावान भजते योमा
समय युक्त तो ममता। गीता में भगवान कहते हैं सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो पूर्ण रूप से भगवान की शरण जाता है और कहता है योग की पूर्णता है भक्ति में नैसर्गिक स्वाभाविक प्रेम। गंगा बसाम उद्धव, जैसे गंगा का पानी नैसर्गिक रूप से स्वाभाविक रूप से जैसे एक लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर जाता है, ऐसा योग की पूर्णता है जब नैसर्गिक रूप से श्रुति मात्रेण मत गुण श्रुति मात्रेण। कपिल मुनि त्रिगुणात्मक से परे निर्गुण भक्ति के बारे में कहते हुए कहते हैं मत गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय मनोगतिर अविच्छिन्न यथा गंगाम भसम वधो। अगर वो मेरा नाम मेरा रूप मेरा गुण मेरी लीला मेरे धाम मेरे संदेश के बारे में थोड़ा भी सुनता है तो जैसे गंगा जी तब तक नहीं रुकती सभी बाधाओं को पार करते हुए समुद्र की ओर जाती है, प्रभु मेरा चित्त स्वाभाविक रूप से भागे ऐसा प्रेम मुझे दीजिए प्रभु, ऐसा प्रेम मुझे दीजिए। और वो प्रेम मांगने का स्थान नवद्वीप, केवल नवद्वीप है क्योंकि ये नवद्वीप राधा रानी द्वारा निर्माणित केवल कृष्ण को आकर्षित करने के लिए ये द्वीप का निर्माण हुआ है। ये धाम राधा रानी का धाम चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भाव और अंग की कांति को लेकर, और इसीलिए इस धाम में अगर ये प्रार्थना की जाए जैसे दुर्वास मुनि भाग के तंग तंग आके बाद में सेटल इधर हो गए, बोले हमारा मन भी अलग अलग जगह अलग अलग चीजों को ब्रह्मांड भ्रमित है सब पढ़ रहा है, चाहे जहां सुखी मिल जाएगा जहां मैं आनंद प्राप्त करूंगा यहां मन की शांति मिलेगी, नहीं जब तक कृष्ण प्रेम के प्रति हमारा नैसर्गिक स्वाभाविक आकर्षण रहेगा तब तक हम कहीं भी रहे हम संतुष्ट नहीं रहेंगे सुखी नहीं रहेंगे आनंदित नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप नहीं, जीवेन स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास गोपी भरतो बलकमलयो दास दास। और इसीलिए हमेशा के लिए नारद दुर्वास मुनि ने सब छोड़ छाड़ कर सर्वधर्मान परित्यज नव रुद्रद्रीप एकम शरणम व्रज, और यहाँ हमेशा के लिए दुर्वास मुनि निवास करते। और वो दुर्वास मुनि थे जो राधा रानी को आशीर्वाद दिया था तो जो भी बनाओगी प्रस्वादिष्ट होगा, जो भी खाएगा बीमार नहीं पड़ेगा। तभी यशोदा माई राधा रानी को बोला तू खाना बना, तुम बनाओगी तो मेरे दादा को अच्छे से खाएगा भर पेट खाएगा। इतना ही नहीं अलग अलग योगी जो थे अष्टवक्र दत्तात्रेय और पंचमुख शिव जो स्वाभाविक रूप से निर्गुण निराकार रूप में सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप से जो आकर्षित हुए थे वो लोग भी अपने जीवन के अंत में सब अपने निर्गुणात्मक समझ जो है भगवान निर्गुण है अचिंत्य भेदा भेद, पर निर्गुण का मतलब है भौतिक प्रकार का गुण नहीं, तो उस मानसिकता को छोड़कर यहां आकर हमेशा के लिए निवास करने का निर्णय लिया। भागवत में एक सुंदर श्लोक है कहां व्यक्ति को सेटल होना चाहिए, वेयर शुड पीपल गो एंड सेटल डाउन, अपने दम पर निर्भर में है घर अपने दम पर, तो घर कहां बनाना चाहिए। एक बार मैंने ऐसे प्रश्न पूछा लोगों से कहां घर बनाना चाहिए, तो घर अगर जब चुनते हो कहां घर बनाना है तो क्या क्या देखते हो आप, किसी ने बोला स्कूल बगल में होना चाहिए, किसी ने बोला हॉस्पिटल होना चाहिए वरिष्ठ वैष्णव, किसी ने कहा ऑफिस पास में होना चाहिए मार्केट बगल में होना चाहिए कॉलेज का लड़का है बोला प्रभु ये वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, अरे तो अपनी अपनी पड़ी हुई क्या होना चाहिए पास। पर पांचवें स्कंद भागवत में जम्बूद्वीप के निवासी प्रार्थना करते बोले ये तीन जगह जहां है वहां मेरा घर हो, ये जीव तीन नहीं है तो मेरे को नंदन कानन में भी अगर 1 एकड़
फ्लैट वो जगह मिल गया, माला ना कोते बोले क्या तीन चीज है, जहां नैसर्गिक रूप से जैसा गंगा बहती है वैसे हरि कथा होते रहना चाहिए, जहां हरि कथा के साथ साथ जैसे गंगा बहती है तो गंगा के आसपास में चक्रवाका मधु मधु क्या बोलते हैं मधुमक्खी और अच्छे अच्छे पक्षी वो निवास करते हैं, ऐसे भक्त वहां निवास करते रहना चाहिए। और तीसरा, जहां उत्सव भगवान का हमेशा होते रहे, नित्य उत्सव, बोले उस जगह में मैं रहना चाहता हूं। ये तीन चीजें, जहां हरि कथा होते रहे, कृष्ण उत्कीर्तन गान अनर्तन कला पाथो जनी भाजित, इस तरह से हम देखते हैं अलग अलग योगी अलग अलग मार्ग से तंग आकर उब कर निराश होकर अंततः उस स्थान में आके निवास करना चाहते हैं जहां महाप्रभु की लीला कृष्ण उत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सर्व भक्तावलि हंस चक्र मधुपा श्रेणी विहारास्पदम कर्णानंद कलत ध्वनि वहतु में जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव रसद लीला सुधा स्वर ध्वनि। कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक गुणगान करने के पहले, महाप्रभु का गुणगान करने के पहले कहते हैं श्री चैतन्य दयानिधे, हे चैतन्य महाप्रभु, हे दयानिधि, तव लसत कृपा, आपकी जो लसत लीला है, मतलब लसत कुंडलम बोलते हैं चमकता हुआ आपका प्रज्वलित लीला जो है, तव लसत लीला सुधा, सुधा मतलब अमृत, स्वरधुनी का मतलब है गंगा जी। तो जहां हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का गंगा बहती है तो कृष्ण उत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता, एक तो गंगा बह रही है, पर गंगा बहती है तो नैसर्गिक रूप से जहां गंगा बहती, जहां नदी बहती है वहां लोग सेटल होते हैं, क्योंकि पानी चाहिए ना, पानी जहां है वहीं सारा सिविलाइजेशन वहीं सेट हो गया, जहां जहां नदी बहती है। तो अब जहां नदी बहती है वहां, और अब एक तो नदी ही आकर्षक है लोगों के लिए जो प्यासे थे, उसमें अगर कमल खिल जाए तो और भी चार चांद लग जाता है। तो ये कमल क्या है, कृष्ण उत्कीर्तन, ये तो कीर्तन पर वो भी अगर महाभागवत पर हो गए तो उसमें चार चांद और लगता है, कोई खोपा जैसा ठीक है, कोई भी बोलता ठीक है अच्छी बात है, पर अगर कोयल जैसा बोले तो कृष्ण उत्कीर्तन अच्छा से राग ताल के साथ उत्कीर्तन गान और नर्तन, एक तो वैसे ही हरि कथा बहुत मधुर है, उसको गाया जाए अलग प्रकार के मृदंग वाद्य के साथ और नृत्य किया जाए मतलब चूस के ले उसको पूरा आनंद और भी बढ़ता है। सो कृष्ण उत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथोजनी, पाथोजनी मतलब कमल खिला। तो क्या होगा, एक तो नदी बह रही है, ऐसे अच्छे सुंदर सुंदर कमल है, सब भक्तावली हंस चक्र मधुपा श्रेणी विहार आस्पदम, विहार आस्पदम मतलब परमानेंट सेटलिंग प्लेस, जहां ऐसा वातावरण हो वहां हम रहना चाहते हैं, ताकि भूल के भी अगर उठे जबरदस्ती कुछ तो कुछ हमारे काम आए। कर्णानंदी करत ध्वनि वहत में, इस तरह से हमारे कानों के द्वारा हमारा हृदय हमेशा गीला रहे, सिंचित रहे, ताकि भक्ति लता आराम से उगे। जहां का क्या बोलते हैं, सॉइल इज वेरी फर्टाइल, उपजाऊ जमीन है, गंगा का तट जो है हमेशा उपजाऊ जमीन है। अब देखिए कैसा हरा भरा है नवद्वीप, क्योंकि ये एक धाम है, बीच में से गंगा बहती डायरेक्टली, और ये रुद्रद्वीप एक ही द्वीप है जिसके बीच में से बहती, दो भागों में दक्षिण भाग में है, वेस्ट एंड ईस्ट, पश्चिम और पूर्व दोनों भाग गंगा की डायरेक्टली बीच से बहती है, केवल रुद्रद्वीप और सबके एक तट पे आता है, रुद्रद्वीप के दोनों तट पे आता है।
की खासियत है, और इसीलिए ऐसे लोग भी वहां आके हमेशा के लिए निवास करना चाहते। और यहां कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी को पता चला कि कृष्ण लीला के बाद, आपको मालूम है कृष्ण लीला में दर्शन करने के लिए आए थे शिव जी, कहां आए थे? वृंदावन में आए थे, और आशीषवर महादेव के रूप में भी बैठे हो, पता चला कि अगला इधर होने वाला तो सीधा इधर आ गए, एडवांस बुकिंग, पता नहीं बाद में सब लोग फ्लैट ले लिया तो साइड नहीं मिलेगा, आउट ऑफ साइड हो जाएंगे बाद में। तो पता चलते ही कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, यहाँ अवतरित होने वाले हैं, इस द्वीप में आए शिव और अपने सारे परिवार को ले आए, 11 रुद्र। तो 11 रुद्र जो है एकादश रुद्र, रुद्रों के साथ आए, और उनमें से प्रमुख जो थे नील लोहित, नील लोहित, और ये नील लोहित क्षेत्र माना जाता है रुद्र द्वीप, नील लोहित क्षेत्र। और जो लाभ काशी में 100 बार जाने से मिलता है, वो लाभ सिर्फ इस नील लोहित क्षेत्र में सिर्फ आने से मिल जाता है। तो नील लोहित क्षेत्र की रुद्री धाम की महाप्रभु की यहाँ आए, और यहाँ आके ऐसा कि एक तो शिव जी और 11 रुद्र और उसमें कीर्तन, आप सोचिए कैसा कीर्तन होगा। शिव जी जब आते तो डल्लू चला गया उधर, नारद जी करते तो उनका बीना उड़ गया, उनके कपड़े उड़ गए, उनको पता भी नहीं चला, तो ऐसे कीर्तन। और 11 रुद्र मिलके अगर करे कीर्तन, ऐसा कीर्तन था, ऐसा पागल जैसे मधुमत होकर कीर्तन कर रहे हैं। उस कीर्तन को देख कर आकाश के देवता जा रहे थे, वो भी डूब गए, कुछ तो चल रहा नीचे, अब देख रहे, और देखकर सिर्फ कीर्तन को देखकर इतने संतुष्ट हो गए, इतना उनका हृदय भर आया कि उनका स्तव जितना था भर भर के फूल रखे थे, पुष्प वृष्टि करने लगे। वाह, गौरांग महाप्रभु की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो, कब अवतरित होंगे, कब हमको उनका दर्शन मिलेगा। ये जानकर कि यहां महाप्रभु अवतरित होने वाले हैं, कई देवता गण आके यहां हमेशा के लिए रहने लगे। सप्त ऋषि लोग यहां निवास करते हैं इस क्षेत्र में, खास नील लोहित क्षेत्र में। और मरुत लोग, 49 मरुत जो है वो भी यहां निवास करते हैं। रावण को पता चला यहां शिव जी बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो रावण ने भी आके यहां तपस्या की और शिव जी से काफी वर मांग के लेके चला गया। मूर्ख को ये नहीं मालूम क्या मांगना चाहिए, चुपचाप बोलता था मैं मूर्ख हूं, है मेरा बस मुंडी पर, अंदर कुछ है ही नहीं, आप जो ठीक समझे मुझे दो, जय श्री राम, मेरे हृदय श्री राम। शिव जी हमेशा राम नाम लेते हैं, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम। महादेव हमेशा काशी में, इसलिए बोलते हैं काशी जाके छोड़ते, जो भी वहां शरीर छोड़ता है व्यक्तिगत रूप से आके मान लो, महादेव बोलते जय श्री राम, और इसलिए मुक्ति निश्चित है। पर वही देवी माया देवी जो शिव जी से ली थी राम नाम, हरिदास ठाकुर को बोलती है प्रेम नाम अभी चाहिए माला, अथा माला प्रेम नाम चाहिए, तू भी पंडित चल गया, अथा माला हरे कृष्ण महामंत्र दिया। इस तरह से रावण भी यहां आया, दुर्भाग्यवश अलग अलग प्रकार की शक्ति मांगकर ले गया, और इस तरह से जब एक बार इसी क्षेत्र में विष्णु स्वामी, हम समझते हैं 4 संप्रदाय है, और रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, तो रुद्र संप्रदाय के जो प्रमुख है वो विष्णु स्वामी। तो विष्णु स्वामी एक बार यहां आए
प्रचार प्रचार के लिए भ्रमण कर रहे थे, वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करते हुए इस स्थान पे आए और कुछ दिनों तक यही ठहरे और कथा करते थे। हर रोज हरी कथा होता था और हरि कीर्तन होता था और असंख्य लोग आते थे, आनंद लेते थे। तो उनके संकीर्तन और कृष्ण कथा से प्रसन्न होकर शिवजी तुरंत प्रकट हो गए विष्णु स्वामी जी के सामने और बोले, वत्स मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जिस तरह से तुम हरि का गुणगान कर रहे हो, हरि कीर्तन कर रहे हो, मैं उसे बहुत प्रसन्न हूं, कृपया मुझसे जो चाहिए वो वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए उत्सुक हूं, तैयार हूं, बोलो। तो सबसे पहले विष्णु स्वामी ने साक्षात शिव जी का दर्शन होना वैष्णवाना में था संभव। उनका शरीर पुलकित हो गया, उनका दर्शन की धार होने लगी, दंडवत सीधा पड़े शिव जी के चरणों में, प्रणाम किया, उनका गुणगान किए बहुत ही अच्छी तरह से और बोले, मुझे संपूर्ण ज्ञान दीजिए, सम्यक प्रदायते, संप्रदाय का मतलब है सम्यक प्रदाय, मतलब कंप्लीट नॉलेज, शास्त्र का निचोड़ सार, वो ज्ञान मुझे दीजिए ताकि मैं वैष्णव सिद्धांत का अच्छी तरह से प्रचार कर पाऊं। ये सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और कहे, उनको ज्ञान दिया, अपने संप्रदाय का संपूर्ण ज्ञान जो उन्होंने भगवान से लिया था वो ज्ञान उनको प्रदान किया और कहे कि आज से तुम इस संप्रदाय जो है इसके प्रमुख रहोगे। और इस तरह से विष्णु स्वामी को रुद्र संप्रदाय के प्रमुख, श्री संप्रदाय के कौन है, रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य और कुमार संप्रदाय के इंदाचार्य और रुद्र संप्रदाय के हो गए विष्णु स्वामी। तो इस तरह से तब से विष्णु स्वामी जो है शिव रुद्र संप्रदाय के प्रमुख आचार्य, संस्थापक आचार्य के रूप में पूजे जाते हैं। और कहे कि इस संप्रदाय का नाम मेरे द्वारा जाना जाए, रुद्र संप्रदाय। और फिर यहाँ काफी समय तक विष्णु स्वामी जी ठहरे और चैतन्य महाप्रभु, पता चला कि हाँ चैतन्य महाप्रभु और फिर खोने वाले हैं, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की आराधना की और एक सपने में महाप्रभु प्रकट हुए और उनको भर भर के आशीर्वाद दिए और उनके हृदय में कृष्ण प्रेम के जो प्रवाह है उसका संपूर्ण जलाशय उनके हृदय में प्रवाहित किया। तत्पश्चात महाप्रभु ने कहा कि जाओ और जब तक मैं यहां नहीं आऊं तब तक ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है इसे मत देना, अब आप प्रचार करो शुद्धा अद्वैत, शुद्धा द्वैत, परफेक्ट मोनिज्म, परफेक्टेड मोनिज्म। शंकराचार्य का अद्वैत हुआ था, इनका शुद्धा द्वैत, द्वैता द्वैत ऐसा अलग अलग है, शुद्धा द्वैत ये विष्णु स्वामी संप्रदाय का है। आप प्रचार कीजिए और कहे कि जब मैं यहां प्रकट होऊंगा, गौरांग महाप्रभु यहां जब लीला करने आएंगे, बोले जब मैं यहां प्रकट होऊंगा लीला करूंगा, तुम वल्लभ भट्ट के रूप में मेरे लीला में भाग लोगे और तुम मुझे पुरी में, जगन्नाथपुरी में जब मैं संन्यास लेकर वहां आऊंगा तुम वहां मुझसे मिलोगे और तुम्हारे संप्रदाय की परिपूर्णता होगी जब तुम वहां से महावन जाओगे, महावन में तुम्हारे संप्रदाय की पूर्णता को तुम प्राप्त करोगे। विष्णु स्वामी ने वेदांत सूत्र का एक भाष्य लिखा जिसका नाम था सर्वज्ञ भाष्य। तो इस तरह से विष्णु स्वामी यहां आके गौरांग महाप्रभु के स्थान में आकर शिव जी से ज्ञान प्राप्त करते हुए इस संप्रदाय का प्रमुख बनकर यहां से चले। हम सब जानते हैं श्रीधर स्वामी मूल भागवत सिद्धांत के दर्शन शास्त्र प्रदान करने वाले, द ओरिजिनल कमेंटेटर ऑफ श्रीमद् भागवत। महाप्रभु को जब बोला गया कि मैंने, एक भक्त कहे कि मैंने एक ऐसा तात्पर्य लिखा है जो
श्रीधर स्वामी से भी श्रेष्ठ है। तो महाप्रभु कहे जो ऐसी पत्नी जो स्वामी को नहीं मानती वो वेश्या, मतलब इवन चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि श्रीधर स्वामी का जो तात्पर्य है, जो वेदांत भागवत का सिद्धांत का जो तात्पर्य है उसके विरुद्ध अगर कोई जाता है तो भगवत कभी नहीं जाता। और इसीलिए श्रीधर स्वामी की जो कमेंट्री है उसको हमेशा प्रमुख रखकर, जैसा रामायण मतलब वाल्मीकि रामायण, उसके आधार पर आप दूसरे रामायण लिखो पर उसके विरुद्ध उसके अलग से कुछ लिखोगे तो आदर्श नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद वो कोई पुस्तक लिखने के लिए नहीं लिखे, उनको उनको आशीर्वाद मिला, प्रज्ञा मिली। तो श्रीधर स्वामी कुछ समय के लिए यहाँ आए थे, ये बहुत पहले की बात है, महाप्रभु के अवतरण की बहुत पहले की बात है। तो श्रीधर स्वामी यहाँ आए थे और चैतन्य महाप्रभु ने उनकी जो भागवतम की जो व्याख्या है या सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था जिसका शीर्षक है भावार्थ दीपिका, उसका बहुत प्रशंसा किया और उनको बहुत भर भर के आशीर्वाद दिए, क्योंकि महाप्रभु का एक सिद्धांत है श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमर। जो भी हम सिद्धांत स्वीकार करते हैं उसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम, वेद नहीं, क्योंकि वेदों में बहुत सारा मल भी है, धर्मार्थ काम मोक्ष, भागवत का प्रमाण रखते हुए जो सिद्धांत है वो वैष्णव सिद्धांत परिपूर्ण है। इस तरह से श्रीधर स्वामी को भी महाप्रभु ने यहाँ इसी द्वीप में दर्शन दिए। शंकराचार्य भी यहां आए, शंकराचार्य भ्रमण कर रहे थे प्रचार करते हुए और प्रचार के दौरान यहां आए, रुद्रद्वीप में उनका आना हुआ और उनका सिद्धांत तो बड़ा स्पष्ट है, सब एक है, अद्वैतवाद। तो चैतन्य महाप्रभु उनको सपने में आए और सपने में आकर बोले शंकराचार्य जी आप मेरे बहुत ही निष्ठावान सेवक हो और मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि ये जो सिद्धांत आप कर रहे हो आप मेरे आज्ञा के पर कर रहे हो, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धमे भवा मयैव कल्पितं देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा, क्योंकि निंदसि यज्ञ विधेयः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। जब वेदों के नाम पे हर मंदिर कत्तल खाना बन गया, प्रायश्चित के चक्कर में बलि करते थे लोग, जैसा नारियल फोड़ते लोग, ऐसे पशु का हत्या होने लगा था और ब्राह्मण कहते थे वेदों में इसमें वर्णन है, निंदसि यज्ञ विधेयः श्रुति जात, श्रुति से ही आया हुआ विधि उसकी निंदा की कौन, बुद्धदेव। सदय हृदय दर्शित पशुघात, पशुघात को देखकर लिटरली इट वाज लाइक अ स्लॉटर हाउस, उससे तंग आकर बोले बोले मत करो, बोले नहीं वेदों में लिखा हुआ तो मैं वेदों को नकार देता हूं कम से कम। अरे वेदों का सार तो दूर की बात, वेदों का जो एक छोटा सा भाग है, सबसे पहले अहिंसा, तुम इतना हिंसा करके तुम लोग क्या वेदों को जानोगे। तो सब रिलीजियस प्रिंसिपल बेसिक बोलते हैं ना, मनुष्य बनने के लिए मांसाहार नशा व्यभिचार दिवा छोड़ना है, वैष्णव तो दूर की बात, कम से कम मनुष्य बनो, चलते फिरते द्विपाद पशु में। तो बुद्ध देव जब आए उन्होंने वेदों को प्रामुख्यता न देते हुए कम से कम अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए प्रचार तो कर दिया, क्योंकि वो भी एक अवतार थे। दुर्भाग्यवश वेदों को ही नकार दिया गया और वेदों को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान ने शंकराचार्य जी को भेजा और डायरेक्टली बोलेंगे वेद नहीं है और सीधा भगवान, ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है,
तो डाइजेस्ट करने के लिए पहले थोड़ा फेवरेबल अनुकूल वातावरण होना चाहिए, वेद तो होना चाहिए। तो वेदों को वापस लाने का काम शंकराचार्य ने किया, पर सीधा डाइजेस्ट नहीं होगा। बोलते बोले ठीक है, तुम जो ब्रह्म ब्रह्म तुम जो निराकार निर्दा निराकार कहते हो, वही चीज जो है ये ब्रह्म है। हाँ, शून्यवाद से उसको निर्विशेषवाद कम से कम लाया, बाद में प्रभुपाद ने निर्विशेष शून्यवाद दोनों हटा के फेंक दिया, एक घंटा में दूसरे घंटा से निकाला था। तो शंकराचार्य आए थे, बोले तुमने अपना काम कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे कर से कर रहे हो, पर नवद्वीप जो है वो मेरा सबसे प्रिय धाम है, और इस स्थान में मायावाद का कोई भी स्थान नहीं, और इसीलिए यहां और यहां ऑलरेडी वृद्ध शिव और प्रौढ़ माया दोनों निवास करते हैं, उनका शाश्वत नित्य स्थान है वृद्ध शिव और प्रौढ़ माया, और वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। किनके लिए एक्टिव रहते हैं? जो लोग भक्त से द्वेष करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, उनको भोगवाद और मायावाद में प्रवृत्त करने के लिए वृद्ध शिव और प्रौढ़ माया हमेशा यहां एक्टिव रहते हैं। तो तुमको यहां कोई काम की जरूरत ही नहीं, प्रचार करो अच्छी तरह से जिस उद्देश्य से आए हो, पर यहां नहीं। जैसे रामानुजाचार्य को जगन्नाथपुरी से बोले नहीं, यहां ना मेरे भक्त लोग जैसा करते वैसा करने दो, अब यहां वो सारा तंत्र मंत्र यंत्र वो मत करो, आप वहां से सीधा ट्रांसफर करो। इसी तरह से शंकराचार्य जी को बोले ठीक है, आप अच्छा करते पूरे भर भर करो, यहां नवद्वीप में नहीं। और इस तरह से नवद्वीप मुझको बहुत प्रिय है, और यहां मायावाद का कोई स्थान नहीं है, और यहां उनको जो वेशा जो द्वेष करते हैं और उनको धोखा देते हैं वृद्ध शिव और प्रौढ़ माया, धोखा देकर उनको ऐसा भोगवाद और मायावाद में लगाते हैं, और ये जो है ये केवल भक्तों के लिए, ये नवद्वीप स्थान भक्तों के लिए है, ईर्ष्या लोगों के लिए नहीं, और इसीलिए आप यहां से जा सकते हो। पूरा आशीर्वाद है मेरे को, हरि बोल। तीन बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस तरह से हम लोगों का स्वागत करते हैं, और जब एक बार बोलते हैं हरि बोल, इसका मतलब हरि बोल, तो हमको एक बार हरि बोल बोला जा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ हमारे भक्तों को दूषित मत करो इस मायावाद से। इस तरह से बड़े कृतज्ञता पूर्वक कृष्ण प्रेम से भर कर शंकराचार्य जी यहां से निकल गए। एक समय में भक्तिविनोद ठाकुर के बहुत ही प्रिय और सर्वश्रेष्ठ पुत्र भक्ति सिद्धांत सरसी ठाकुर, ये जानते हुए कि भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा कितना है नवद्वीप धाम, जो षडगो स्वामियों ने वृंदावन के लिए किया वो भक्ति विनोद ठाकुर ने नवद्वीप के लिए किया। महाप्रभु ने षडगो स्वामियों को चार प्रमुख आज्ञा दिए थे, पूरा जंगल था, महाप्रभु ने सिर्फ राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट किया, और षड गोस्वामियों को बोले संपूर्ण जितने सारे वृंदावन के लीला स्थली जो लुप्त हो चुके हैं उनका स्थापन करना आपका पहला कर्तव्य, उसके बाद अद्भुत मंदिर का निर्माण हो और विग्रह की सेवा शुरू होनी चाहिए, अच्छे तरह से विग्रह की सेवा अर्चनम शुरू होनी चाहिए, नाना शास्त्र विचार नहीं करनी पड़ा, सब धर्म संस्थापक हो, सारे शास्त्रों का निचोड़ आप शास्त्रों के आधार पर ऐसे ग्रंथों की रचना करो जिसको पढ़ने के बाद किसी की भक्ति ऐसा दृढ़ हो जाए कि किसी परिस्थिति में वो डगमगाए नहीं, ऐसा शुद्ध भक्ति सब धर्म जो है उसकी स्थापना करने के लिए शास्त्रों का निचोड़ निकाल कर ग्रंथों की रचना करो। तो ये गोस्वामी ने किया, और चौथा अपने उदाहरण से अपने व्यवहार से अपने आचार से और अपने विचारों से वैष्णव
व्यवहार, वैष्णव आचार, ये भी आप ग्रंथ की रचना करो और एक आदर्श उदाहरण दो। संख्या पूर्व कनाम गान नटी भी कालावसानी कतौ निद्राहार विहार काल विजितौ चात्यंत दीनौ चिरौ। तो ये चार चीज गोस्वामियों ने किया और गोस्वामियों के आने के बाद वृंदावन जो लुप्त था पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। और जो काम षड गोस्वामियों ने ब्रज के लिए किया वही महाप्रभु से प्रेरित होकर भक्तिविनोद ठाकुर ने नवद्वीप के लिए किया और इसीलिए उनको सातवें गोस्वामी सेवंथ गोस्वामी कहा जाता है। न केवल उन्होंने महाप्रभु के जन्म स्थान को पता किया, पूरा मैप देकर एक बोनाफाइड उसके बाद अपनी भजन की अपनी भक्ति की शक्ति से भगवान ने साक्षात ऐसा प्रकट कराया और वहां जाके अगले दिन देखे ऐसा सुनहरा ऐसा प्रज्वलित प्रकाश निकल रहा था गुदलुम द्वीप से उन्होंने देखा था। और वहां जब आए तो उन्होंने देखा घने रूप से तुलसी महारानी वहां उगी हुई है, आसपास में कहीं नहीं केवल उस स्थान पे। और तत्पश्चात वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी को वहां ले आए फाइनल कंफर्मेशन के लिए। गौर अभिर्भाव भूमे स्वम निर्देश का सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ है। और जब ये तीनों से कंफर्म हो गया मैप के द्वारा अपनी भजन और प्रेरणा के द्वारा और रिविलेशन और तत्पश्चात कंफर्मेशन बाय वैष्णव गुरु साधु शास्त्र सब हो गया प्रकट करने के बाद तीव्र इच्छा थी भक्ति विनोद ठाकुर की कि नवद्वीप धाम हो जाए। कब वो दिन आएगा भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था जब पाश्चात्य देश के लोग अमेरिकन अफ्रीकन सब प्रकार के यूरोपियन सब लोग आएंगे जय सचिनंदन का गुणगान करेंगे। नवद्वीप धाम की परिक्रमा नवद्वीप मंडल परिक्रमा तीव्र इच्छा थी और अपने पुत्र को कहे थे कि बेटा निश्चित रूप से नवद्वीप धाम की परिक्रमा को तुम स्थापित करना, उससे तुम्हारा भला होगा और पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। और भक्ति विनोद भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते देखो यो ऐक्य आरना करी हो मने आशा उसके अपने हृदय में अंकित करके उस आज्ञा को शिरोधार किया। और जैसे दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों को आज्ञा देकर तैयारी करने के लिए तपस्या करने के लिए भेजे थे, इसी तरह से भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर सोचे कि इतना बड़ा मुझे एक सेवा मिला है उस सेवा के लिए मेरे को अपने आप को तैयारी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं 100 करोड़ नाम लूंगा, एक जगह बैठकर 100 करोड़ नाम लेने के बाद मैं प्रचार कार्य शुरू करूंगा। जब तक महाप्रभु की कृपा नहीं मिलती उनकी आज्ञा उनका उनका आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक मैं नहीं शुरू करूंगा। इसी स्थान पे रुद्रद्वीप में आए और एक छोटी सी कुटिया बनाकर उन्होंने निर्णय किया कि मैं 10 साल तक हर रोज 192 माला बीच में कभी थोड़ा सा खाते थे बस चतुर्मास के समय तो बस ऐसा हाथ पीछे रखकर और एक बार मुंह में जितना खिचड़ी आया खाते थे बस। बाकी समय और पानी आता था बारिश में थोड़ा छेद हो के बोले वो छता लेके बैठे थे बोले वो रिपेयर करने का टाइम नहीं है मेरे को 192 माला 100 करोड़ नाम मेरे को लेना है और मेरे पिता जो है उनकी आज्ञा को पूर्ण करना है। व्यवसाय आत्मी का फिर एक एक हक भक्ति सिद्धांत ठाकुर से इस स्थान पे वो आए अद्भुत तपस्या 10 साल लगातार करते रहे। जब उनको एक ऐसा कंफर्मेशन मिला कि अब आप जा सकते हो और महाप्रभु की कृपा से उनके संदेश को आप प्रचार करो, तो ये वो स्थान है जहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ आए और तपस्या किए। 1905 में यहाँ आए और 10 साल के लिए तपस्या किए और उन्होंने विग्रह बनाया गौरांग महाप्रभु का सुंदर और पत्थर लकड़ी काष्ठ विग्रह बनाए महाप्रभु का
और उसकी सेवा किए थे, और वही आज आप चैतन्य शंकर मठ, हाँ शंकर मठ वहाँ देखने को मिलेगा वो विग्रह अभी वहाँ। दूसरा रुद्रद्वीप गौड़ी मठ, हाँ शंकर, वहाँ वो विग्रह है जिसके सामने बैठकर वो 100 करोड़ नाम जपे थे। तो और 1933 में वो गौड़ी मठ वहाँ निर्माण। हाँ रुद्रद्वीप वो स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से निकलकर हटवा चले गए संन्यास ग्रहण करके, और इसलिए जिस घाट से वो गंगा में छलांग मारे हमेशा के लिए चले जाने थे संन्यास ग्रहण करके पूरे विश्व में त्यक्त्वा सुदुस्तेजसुरेप्सित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दलितये चितमन्व धावत वंदे महापुरुषके चरणारविंद। बड़ा सुंदर श्लोक है जहां महाप्रभु ने क्यों संन्यास लिया इसका वर्णन करभाजन ऋषि कलयुग के अवतार का वर्णन करते हुए 11वें स्कंद में महाराज निमि को बताते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्तेज, क्या त्यागे महाप्रभु, ऐसी माता जो अपने निमाई की प्रसन्नता के लिए 100 बार मरने के लिए तैयार है, एक क्षण में कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसी माता जो उनके एक क्षण नहीं रह सकती अपने निमाय का दर्शन किए बिना, और उनकी प्रसन्नता के लिए क्या नहीं कर सकती, और ऐसी पत्नी विष्णुप्रिया जिनके जाने के बाद 16 साल की उम्र में महाप्रभु चले गए और महाप्रभु एक विग्रह देखे गए सुंदर धामेश्वर महादेव, आप देखे होंगे धामेश्वर महाप्रभु 96 साल तक यानी 80 साल तक उस विग्रह को, क्योंकि सची माता कम से कम निमाय का दर्शन कर पाई, गौरांग महाप्रभु का शांतिपुर में जाके दर्शन तो कर पाई पर उनकी पत्नी हमेशा के लिए नहीं देख पाई, जिसे कभी देखने को नहीं मिली, और महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट थे वो तो कभी नहीं देखने वाला अपनी पत्नी। तो 16 से लेकर 96 साल तक जब वो अपना देह त्याग की तब तक हर रोज, कुछ लोग कहते हैं एक माला करने के बाद एक दाना निकाल देते, कुछ लोग कहते हैं हर नाम एक नाम पे एक नाम, इस तरह से दिन भर एक एक औरंग का नाम लेते हुए एक एक दाना ऐसे रखती थी, और दिन के अंत में जो खड़ा था उसको भी पकाकर अपने प्रिय गौरांग को भोग लगाकर उसको स्वीकार करते थे। इस तरह से उन्होंने 80 साल पूर्ण रूप से निष्ठापूर्वक श्रीपति यज्ञपति प्रजापति दियांपति लोकपति धरापति पतिर्गतिशांध कृष्ण सापुताम प्रसिद्धता में भगवान सताम पति, किस तरह से एक पत्नी को पति को स्वीकार करना है। और एक्चुअली हम सब एक रूप से देखा जाए तो भगवान की शक्ति है और कृष्ण ही हमारे पति हैं। क्या निष्ठा, क्या प्रेम, क्या शरणागति, क्या एकाग्र चित्त भक्ति, इस तरह से। और श्रीवास जैसे प्रिय भक्तगण महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं शिवा सांगन में, उनका बेटा गुजर गया और सब रोना शुरू कर दिए, शिवा ठाकुर जाके क्यों हो रहा है, हल्ला क्यों हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है कीर्तन में, बोले अरे आपका बेटा गुजर गया तो ठीक है, क्या करेंगे, ठीक है कीर्तन में गया तो अच्छे सदगति होगी उसकी, हो गया तो हो गया, एक काम करो रोना भी है तो प्रेम से रोना, आवाज नहीं, अगर तुमने आवाज किया और महाप्रभु के कीर्तन में बाधा आई तो मैं भी जाके अभी एक चट्टान बांध के मैं गंगा में चला, मैं भी शरीर कर। 7 घंटे तक कीर्तन चलता रहा उसी घर में जहां उनका पुत्र निधन हो गया। 7 घंटे के बाद महाप्रभु बोल रहे हैं कुछ कीर्तन में रस नहीं आ रहा है, कुछ तो यहां ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, सब हुआ है, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, महाप्रभु जहां आप कीर्तन करते हैं वहां क्या अमंगल हो सकता है, क्या वहां क्या अशुभ हो सकता है,
सब कुछ अच्छा है, कितना झूठ। चुपा साहब बोलते महाप्रभु कह रहे नहीं, बाहर में दूसरे अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु श्रीनिवास के पुत्र गुजर गए, क्या तुरंत वहां से महाप्रभु गए और पत्र में देखिए सब बहुत सब रहना शुरू हो गया फिर से। अब तो चला गया महाप्रभु ही आ गए। महाप्रभु ने उस बच्चे के छाती पे हाथ रखा और बोला बस तू जहां भी है तू आ जा। उठकर खड़ा हो गया और जैसे वो हर्षशोक अपना छठे स्कंद भागवत में है ना चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में, इस तरह से वो भी उठा और ऐसा फिलोसफी भागवतम क्लास देके फिर से सो गया। वही भागवतम हो गया अभी नहीं जाते हो तुम्हें पर तैयार करा और सब खुश, पूरा विश्वास हो गया कि वो अपनी सब गति को प्राप्त किया है। अभी हम अपने अपने ऊपर रोना चाहिए कि हम इधर टिके। इस तरह से उससे बुलवाया और वो चला गया और तत्पश्चात महाप्रभु रोने लगे और मालिनी शिवास ठाकुर की पत्नी को संबोधित करते हुए कहे तुमने एक पुत्र खोया है माता, तुम्हारे दो पुत्र हैं, मैं और नित्यानंद प्रभु हमेशा के लिए तुम्हारे पुत्र हैं। और फिर महाप्रभु अश्रुओं की धार बहाते हुए कहे कैसा मैं ऐसे शिवास को छोड़ सकता हूं। सब बोले क्या छोड़ने की बात आ रही, क्यों चल रहा है, क्योंकि महाप्रभु सोच रहे थे अभी मैं संन्यास लेने वाला। चार लोगों को बोले सची माता के अलावा केवल चार लोगों को मालूम था, नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य उनके मामा और मुकुंदा और एक व्यक्ति भी, चार लोगों को छोड़कर शायद गदाधर, चार लोगों को छोड़कर किसी को नहीं मालूम था कि उस रात को जा रहे उस दिन सुबह विष्णुप्रिया 16 साल की बच्ची आती है और अपने पति से कहती है लोगों से मैंने सुना है कि आप संन्यास लेके हमेशा के लिए चले जाने वाले, और कोई नहीं है 16 साल की एक बच्ची और 70 साल की एक बुढ़िया, ओनली वन ब्रेड विनर एंड दैट इज महाप्रभु। विष्णुरूप चला गया संन्यास लेके, 8 बच्ची गुजर गई। ये सोच के नित्यानंद प्रभु इतना रोए, सब सर नीचे रख रहा है, ऐसा बिलक बिलक कर रो रहे हैं, गदाधर पंडित रो रहे हैं, तो तुम कैसे किस मुंह से तुम सची माता को बताओगे, किस मुंह से उसका आशीर्वाद लोगे तुम। पर किसी तरह से धीरे रखकर उन्होंने कहा आप निर्णय लियो, आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, आप चाहो तो हम क्या कर सकते। उस दिन विष्णुप्रिया आती है, कहती मैंने सुना है कि आप हमेशा के चले जाने वाले, कब कब नहीं बोले, बोले हाँ। बहुत ही सुंदर वार्तालाप है, कभी कभी बंगाल में ड्रामा करते हैं महाप्रभु का संन्यास, एक भी नॉट वन सेट ऑफ आईज विच आर नॉट वेट, मतलब गीला गीला हो जाता जमीन, ऐसा निचोड़ के महाप्रभु का संन्यास ऐसा प्रसंग है, लोग रोते पूरा रात भर चलता है नाटक, रात भर लोग रोते रहते। यही महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य के घर में नाटक किया, रुक्मिणी देवी बन गया, सब रो रहे थे, सची माता नहीं पहचान पाई, ये रुक्मिणी कौन है, बहुत अच्छा नाटक कर रही है, बोले आपका बेटा बेटा मेरा मीमा है, बोले हाँ, रुक्मिणी भाव में चले गए। तो विष्णुप्रिया कहती है, विष्णुप्रिया बहुत बिलक बिलक कर रोने लगी। थोड़े समय के बाद उसने कहा कि प्रभु अगर यही आपकी इच्छा है, इसी में पूरे विश्व का कल्याण जो आपकी एकमात्र उद्देश्य है, और ये अगर आपका संकल्प है और यही चीज अगर आपको प्रसन्न करने वाला है तो मैं इसे स्वीकार करूं। ये माता विष्णुप्रिया की निष्ठा है जिसके कारण हम आज यहां बैठे हुए। रात को जब विष्णुप्रिया लेटी हुई थी उस समय धीरे से 2-2.5 बजे के बीच
आधी रात में हल्के से उठे और सीधा चलने के तैयार हो गए। शची माता को मालूम था कि आज मेरा मेहमानी जाने वाला है। दरवाजे के पास खड़ी थी, बोली मैं उसे मैं यहां खड़ी हूं और निमाए आए वहां से और देखी शची माता देखी कि अब हमेशा के लिए निमाए इस घर से चले जा रहे हैं। मेरा इकलौता बेटा वो भी जा रहा है संन्यास लेने। ऐसे खड़ी थी मानो जैसा यहां है ना मूर्ति, ऐसे मूर्ति जैसी खड़ी रही। There was absolutely no movement. Radha Swami Maharaj ek pravachan de rahe bole, she stood like a statue. There was only one movement, constant flowing of tears. Mahaprabhu aaye, charno mein pranam kiya, teen baar unka pradakshina kiya, fir se pranam karke chale gaye. अगले दिन सुबह सब नवद्वीप वासी जब घर आए महाप्रभु से मिलने के लिए तो देख रहे हैं ऐसी पुतली जैसी खड़ी है। तब उनको समझ में आया महाप्रभु ने संन्यास। तो इस तरह से महाप्रभु इधर ही आए, यहां से दो निदय घाट है, निदय 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 मतलब दया। अरे दया नहीं किया आपने नवद्वीप वासियों के ऊपर, दया नहीं किया, सब कुछ छोड़ के चले गए, इतने क्रूर हो आप, अक्रूर अक्रूर नाम तेरा अक्रूर है तो कितना अक्रूर है। वो भी उन्होंने कहा कि कृष्ण को हमेशा के लिए तू ले जा रहा है। इस तरह से निदय घाट वहां है जहां से महाप्रभु बड़े तीव्रता के साथ छलांग मारे और गंगा से तैरते तैरते सीधा कटवा चले और वहां से उन्होंने संन्यास लिया। और मुझे अभी भी याद है पहली बार यहाँ यात्रा में आए थे हम लोग कटवा गए और हम लोग उस समय ज्यादा से ज्यादा ये भी ज्यादा है इससे थोड़े कम थे यात्रा में उस समय उन दिनों। तो महाप्रभु ने आए महाराज ने महाप्रभु के संन्यास के ऊपर 3.5 घंटा लेक्चर दिया और लेक्चर के बाद एक रहस्य बताऊंगा। एक हमारे भक्त थे उस समय, ये तो 93-94 में होगा पता 93 में था तो उस समय नहीं ना कभी नए लोग भी आ जाते थे सोलह वाला ऐसा कुछ नियम नहीं था। ए, आ रहा हूं क्या लगे लगे है क्या आ जा चढ़ जा ऐसे लास्ट मोमेंट में कोई चढ़ गए बोले अरे खरीद लेने पजामा एक दो घर कुछ अरे आ जा यार तू भी आ जा ऐसा चढ़ा दिया ट्रेन पे किसी छोड़ने आया था वो भी भगत को बैठा दिया धोती कुर्ता दे देने ऐसे लोग आ गए थे कुछ। आज उनमें से एक भक्त थे उनका नाम नहीं बताऊंगा उनको बहुत प्रेम था उनकी मूंछी से जबरदस्त मूंछी लाऊंगा। और जब कृष्ण भावना में आए तो उनकी पत्नी ने बाद में उन्होंने सोचा कि मूंछी निकाल दो तो पत्नी ने बोला मूंछी निकाल के तो क्या मूंछी निकाल तो मैं भी नहीं तो बोले और कटवा में लेक्चर सुनने के बाद शाम को वापस आए और पंचतत्व तो ने देखा गायब मुझे अरे क्या हुआ प्रभु कटवा का असर है कटवा में तो इतना शक्तिशाली था प्रवचन और ऐसा मतलब व्हाई आर वी अटैच्ड टू दिस हेयर जस्ट सम फ्यू थिंग्स व्हिच इज द फर्स्ट थिंग टू बर्न इट बट वी आर सो मच अटैच्ड। एक ऐसा वाक्य बोल दिए थे एक्चुअली पूरा महाप्रभु की कथा थी मैं जनरली फिलोसफी कम बोलते थे सत्ता कथा बोलते वक्त पूरा घुस जाते और उस दिन थोड़ा एक ऐसा स्टेटमेंट शायद उन्हीं के लिए बोले हो कई लोगों ने मैंने देखा कोई दाढ़ी निकालो ऊंची निकाले ये निकाल लिया तो इस तरह से वो स्थान था जहां महाप्रभु गए और वहां उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो और हाँ और एक आचार्य यहाँ आए और वो थे निम्बार्क आचार्य जो कुमार संप्रदाय चतुष्कुमार की संप्रदाय। तो
तो एक बार कुछ ब्राह्मणों के साथ कुछ ब्राह्मण लोग यहां आए और इसी स्थान पे 15 दिन ठहरे और बिल्व का जो ये है पत्ता, बेल पत्ता से शिव जी की उन्होंने आराधना, क्योंकि जानते थे रुद्र भी था तो शिव जी का निवास स्थान है, तो उन्होंने शिव जी का 15 दिन तक बेल पत्ते से उसको भक्ति भाव से प्रेम से उसकी सेवा की। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और यहां जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो वहां कृष्ण प्रेम और गौर प्रेम देते हैं। तो शिव जी प्रकट हुए और शिव जी बोले कि मैं बहुत तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी इतनी प्रेम और भक्ति भाव से जो तुमने मेरी आराधना की है, सेवा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम सबको कृष्ण भक्ति मिले, कृष्ण प्रेम मिले। और उनमें से जो सबसे निष्ठावान एक ब्राह्मण थे, उनको उन्होंने कहा कि आप बिल्व वन जो है, ये बिल्व वन है ना, बेल वन, जहां लक्ष्मी वन श्री वन वृंदावन, जहां लक्ष्मी जी तपस्या करते, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, बिल्व वन। तो ये बिल वन था, तो यहां बोले केवल उनको बोले और सब ब्राह्मणों को नहीं, उस ब्राह्मण को बोले कि तुम आप अब ये ग्रहें जन्मों में अंदर जाइए और वहां आपको कुछ खास कृपा मिले। और जब अंदर गए वो निम्बार्काचार्य थे वो ब्राह्मण, और उनको चतुष कुमार प्रकट हुए इसी द्वीप पे, और चतुष कुमार प्रकट होकर उनको सनत कुमार, उनमें से चतुष कुमार में से सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, तो सनत कुमार उनमें से आगे आए और कहा कि सनत कुमार संहिता बोलते, संपूर्ण शास्त्र का निचोड़ सार जो है संप्रदाय, उस संप्रदाय का ज्ञान उनको उनको प्रदान किया और उसके बाद कुमार संप्रदाय के प्रमुख के रूप में उनको यहाँ नियुक्त किया गया, या निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख बनोगे और सभी कुमार संप्रदाय के प्रमुख बनोगे निम्बार्काचार्य। और यहाँ उनको राधा कृष्ण का मंत्र दिया और यहाँ राधा कृष्ण की सेवा कई समय तक किए, महाप्रभु भी उनको प्रकट हुए और उनको द्वैता द्वैत सिद्धांत प्रचार करने के लिए प्रेरित कर दिया यहाँ से वो करे। और कहे महाप्रभु ने कहा कि तुम भी मेरे लीला में आओगे और एक प्रमुख पात्र तुम्हें दिया जाएगा और वो रहेगा केशव कश्मीरी। तो केशव कश्मीरी ये थे, आज अभी बलदेव प्रभु मेरे को बता रहे थे कि वो लोग कहाँ गए, निम्बार्काचार्य के संप्रदाय का कोई प्रमुख स्थान है वहाँ बलदेव प्रभु, थोड़ा हमारे यात्रा में श्री चैतन्य प्रभु, बलदेव प्रभु, ये लोग सब छींक मारे तो सब यात्रा का सब निकलता हूँ सारे स्थान के बारे में, ऐसा कहाँ कहाँ रूट सब कितना कितना दूर है। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने उनके संप्रदाय में देखा, पूरा नाम देखा, सब 32 नाम हमारे संप्रदाय का नाम है ना, भगवान से लेकर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से मध्वाचार्य से नारद जी, ब्रह्मा व्यास से, उनके संप्रदाय में कोई कोई एक भाग में केशव कृष्ण, केशव भट्ट उनका नाम। तो यहाँ आए हैं और निम्बादित्य का स्थान है, तो मैंने कहा संक्षिप्त रूप में थोड़ा वो लीला महाप्रभु का, आपकी अनुमति हो तो हम करेंगे, आपकी अनुमति उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, श्री चैतन्य प्रभु के अनुमति के बिना पत्ता नहीं हिलता है ऐसा बोल के मैंने उनको थोड़ा सबके सामने, नहीं बड़ा सुंदर कथा सुनी होगी। तो खास करके ये लीला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि महाप्रभु आए हैं हमें सिखाने के लिए, सुनादपि सुनिश्चेन तरोगी वह सही सुना अमानी ना मान लेना कीर्तन सुना। ये चार चीज जो है, कली मतलब दाम्भिकता और झगड़ा,
कली मतलब क्वारल एंड हिपोक्रेसी, क्वारल का मतलब झगड़ा और हिपोक्रेसी का मतलब दाम्भिकता, दिखाना कुछ और अंदर कुछ अखंड अखंड। ये जो चार चीज है, और अगर कली का मूल है अहंकार, कली एक ही काम करता है, कली को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, कली एक साइकिल का पंप लेके आता है और सबके हृदय में अटैच करता है, बस चला जाता है, आपने आप सब शुरू हो जाए। तो कली का जड़ है अहंकार, इतना बड़ा बलून, और कली को इस बड़ा फुग्गा, गुब्बारा जो है फुग्गा, इसको अगर तोड़ना है तो एक सुई चाहिए, और वो सुई का नाम है हरे कृष्ण महामंत्र। वही इस सुई को, ये सुई के द्वारा इस गुब्बारे को तोड़ा जा सकता है, पर ये गुब्बारा ऐसा फूका हुआ गुब्बारा वैसा नहीं है जो बलून चौपाटी में बेचते हैं, ये ऐसा तगड़ा मोटे चमड़ी वाला गुब्बारा है, तो इसको घुसाने के लिए शक्ति चाहिए, सुई है पर शक्ति चाहिए घुसाने के लिए, और वो शक्ति चार चीज से मिलती है, प्रणादपि समीचीन करोरी वैष्ण हमारी नाम आनंदेन कीर्तनीय सदा। उस समय तलवार जैसे आप घुमा सकते हो, जिसको भी मारो फूट जाएगा, और आप देखोगे ये चारों चीज में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है? अहंकार। जो अहंकारी है तुरंत से भी अपने आप को नीच नहीं समझ सकता, उसके विरुद्ध कोई मत बोले सहन नहीं होता उसको, हाँ तू मेरे साथ से जानता है, तू कब आया मालूम है हरे कृष्ण में, मैं कब आया मालूम है कल हर कृष्ण, तरो दिवस हरे कृष्ण, सहनशील नहीं हो, और अहंकार का भूख है मान, उसको फास्टिंग करना है तो अमानिना, और सही में उसको शक्ति बढ़ाना है तो मान दे। तो अहंकारी व्यक्ति नम्र नहीं हो सकता, सहनशील नहीं हो सकता, अपने मान की इच्छा करता है, दूसरों को मान देने की हिचकिचाता है, और इसीलिए महाप्रभु जो कलियुग के युगावतार है वो ये सुई दिए हैं और बोले हैं ये सुई पकड़ने के लिए शक्ति चाहिए, ये चार चीज का पालन करो। और महाप्रभु के इस केशव कृष्ण जी की जो लीला है उसमें उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से स्थापित किया है कि क्या बाधा करता है कलयुग में, और जो भी महाप्रभु करते हैं, मतलब शास्त्र में एनीथिंग एग्जांपल इज रियली एग्जैजरेटेड टू द हाईएस्ट डिग्री, और मिथ्या अहंकार का साक्षात स्वरूप थे केशव कृष्ण, जिन्होंने सरस्वती की सेवा की थी, सरस्वती की आराधना की, माता सरस्वती के अच्छे भक्त थे वो, जाने माने प्रसिद्ध भक्त थे, और सरस्वती जी इतनी प्रसन्न हुई थी, सरस्वती ने वरदान दिया था कि वत्स तू जब भी मुख खोलेगा तेरी जिह्वा के ऊपर मैं रहूंगी, फिर क्या कहना, फिर तो केशव कश्मीरी चल पड़ा दीप विजयी बनने के लिए, चारों दिशाओं में जाऊंगा और सबको हराऊंगा, बड़े बड़े शहरों में जाता था, कश्मीर केशव कश्मीरी, कश्मीरी के पंडित होते ना, नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पूर्वाशिनी त्वाम अहम प्रार्थये नित्यम विद्याम लक्ष्मी देवी में, तो कश्मीरी के पंडित थे वो, तो स्वाभाविक रूप से शारदा देवी की आराधक थे वो, तो केशव कश्मीरी निर्णय लिया पूरे चारों दिशाओं में भ्रमण करूंगा, और सीधे शहर में आते थे, बड़े बड़े शहरों में, और शहर में आके घोषणा करते थे, बोले मैं दिग्विजय पंडित केशव भट्ट आया हूं कश्मीर से, बोले तुम्हारे अंदर किसी में दम है वार विवाद करने का, शास्त्र जानते हो तुम लोग, तो पहले क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल आप अपने में कर लो, और आप में से गिना चुना जो फाइनलिस्ट है वर्ल्ड कप फाइनल वाला वो मेरे पास भेजो, क्योंकि मेरे पास सबके पास टाइम नहीं, चिंटू पिंटू के लिए मेरा टाइम है, तुम लोग आपस में झड़ लो, लास्ट में जो आएगा वो मेरे पास। सबके सब भाग जाते थे, किसी की हिम्मत, अरे मुंह खोले सरस्वती जीवा पर बैठे तो कौन सो वाद विवाद, फिर भी कोई दम करके अगर आ गया, इस तरह से बड़ी सभा में
पूरे शहर की भरी सभा में बैठते थे, दो ऐसा रखा जाता था प्लेटफॉर्म, यहाँ बैठते थे, किशोर किशोर बोलते थे प्रश्न पूछो, उबर नहीं आप पूछो पहले, बाई चांस उसने गलती कर दी आप पूछो पहले बोलने की, वो पहले पूछा था तोड़ फोड़ के रख देते, बोले आप पूछो, ऐसा प्रश्न पूछते थे, प्रश्न इतना जटिल था कि सामने वाले को प्रश्न ही नहीं समझ में आता था कि पूछा क्या इसने, चार पन्ने का प्रश्न। बोले महाराज वो पत्र जो विजय पत्र साइन कर लो ले जाओ यहां से, मैं आपका शिष्य बन गया, प्रश्न नहीं समझेगा तो उत्तर कौन देगा, ऐसी विद्वत्ता। और ऐसा नहीं कि घुमाना फिराना, ऐसा शास्त्र में निपुण थे। और फिर पता चला किसी ने बोला है चल ले चिंतन जा रहे नवद्वीप में जाके दिखाओ, भागवत वर्णन है नवद्वीप का कोई ग्रेजुएट कहीं भी जाता था उसको अच्छा नवद्वीप से बहुत बड़े विद्यार्थी हो, क्यों, क्योंकि जैसा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्टैनफोर्ड आजकल ऐसा है ना वहां से डिग्री प्राप्त किया है वो मैनेजमेंट में वहां से ही प्राप्त होना चाहिए, छोटू मोटू मैनेजमेंट वाला नहीं, एमबीए अगर इस कॉलेज से हुआ है तो कुछ असली मैनेजमेंट करता है। तो बोले नवद्वीप से अगर कोई ग्रेजुएट आएगा वाद विवाद करने वाला विद्वान उसको वहां जाएगा, केशव कश्मीरी आए और जलाए तो हाथी घोड़ा पालकी पालकी के ऊपर बैठ के आया और ब्राह्मण उनका उठाते थे सब उनके जो शिष्य बने हुए, वेद घोष हो रहा है ब्राह्मण लोग आ रहे हैं हाथी है घोड़े है और वाद्य हो रहा है मंगल वाद्य, इस पर से वो प्रवेश करते थे और नवद्वीप आए, नवद्वीप में घुसो 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 चर्चा हुई, भट्टाचार्य मुखोपाध्याय बंदोपाध्याय बनर्जी चटर्जी मुखर्जी जहां बड़े बड़े लोग एकत्रित हुए आपस में उनका इष्ट गोष्ठी होने लगा, बोले कह रहे थे सरस्वती क्या है, नहीं मेरा क्या है ना वो मेरी पिताजी का भाई का त्वचा है ना वो मर गया है तो मैं दुखी हो जा रहा हूं, नहीं मैं भी जा रहा हूं मेरा बुकिंग हो गया ऑलरेडी, सब विद्वान थर 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 कांप रहे थे कौन चैलेंज लेगा इस केशव कश्मीरी से, विश्व का विद्वान है दिग्विजय पंडित है, सब लोगों ने निर्णय लिया आपस में, हम लोग सब चुटकी बजाते हैं, ये निमाई बहुत होता है ना हमेशा सिखो भक्तों को भी पकड़ता होता है, सब तंग आ गए भक्त देखते थे तो पतली गली से भाग जाते, बोले निमाई पकड़ता तो चैलेंज होता है, बोल जोर दो चार, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा पांच। और ऐसा प्रस्तुत करते थे निमाई पंडित सामने वाला बोलता था हाँ यार अभी तक तो मेरे को लग रहा था चार है, समझ में आ गया धन्यवाद आपने मेरा दृष्टि खोल दिया है, चार दो दो पांच, बाद में निमाई बोलते थे नहीं दो दो तीन, तोड़ के दिखा, तोड़ने गया तो उसको तोड़ मरोड़ के रख देता रूप तो अभी समझ में आया चार और पांच नहीं तीन है, बाने बोलते थे नो दो दो चार नहीं नहीं तीन, बोले तीन बोल के दिखा और जो आर्ग्यूमेंट उसने दिया था महाप्रभु ने दिया था उसी को तोड़ मरो के साबित करते थे कि चार, तो लोगों को समझ में आ गया निमाई जो बोलेगा हाँ मैं हाँ मिला बाई चांस गलती से उसे आर्ग्यूमेंट किया तोड़ फोड़ के वो साबित करेगा, तो किसी की हिम्मत नहीं थी निमाई से बातचीत करने की, तो सब बोले अभी अच्छा काम है ये निमाई कोई भीड़ नहीं बड़ा आता अपने आपको बड़ा धीमे मानता है ना लड़ने दो उसको 16 साल का है बच्चा और हम लोग जाएंगे बाहर और ये सब इसे जो भी होगा डिसीजन फाइनल होने के फाइनल मैच के बाद ही आएंगे, पर अगर निमाई हार गया तो हम लोग आके बोले के अरे हमारे बच्चे से लड़ा 16 साल का हम लोग होते थे तो होते और बाई चांस निमाई जीत गया तो हम लोग बोलेंगे हमारे घर का 16 साल का बच्चा है। इस तरह से सारे पंडित गायब और इधर निमाई बैठे हुए हैं गंगा जी के तट पर और उनका टोल ऐसा बड़ा स्कूल था और जो दूसरे टीचर लोग 2 साल में सिखाते थे व्याकरण निमाई उनको 2 महीने में तैयार करते थे और इसीलिए कौन उनके ट्यूशन क्लासेस में नहीं आएगा, सभा के उधर ही बैठते थे निमाइज ट्यूशन क्लासेस निमाइज क्लासेस। तो एक दिन ऐसे बैठे हुए थे
तो कुछ बच्चों में खुशे खुशे बातें होने लगी। निमाई ने कहा क्या हो गया? बोले खड़के खड़े हुए निमाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिग्विजय पंडित कश्मीर से आया है, केशव कश्मीरी, पूरे चार चार दिशाओं में गया है, बड़े बड़े विद्वानों को, मिथिला में गया है, कश्मीर में गया है, वाराणसी में गया है, दक्षिण भारत में गया है, सब जगह लोग शरण आ गए, उसकी शरण जाकर उसके शिष्य बन गए, अभी वो नवद्वीप में आया है, सब थर 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 कांप रहे हैं, सब लोग चले गए, हाथी बड़ा पालकी लेके आया है। निमाई क्या करे? तो निमाई बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए, निमाई मुस्कुराए। चैतन्य भागवत में सब इतना सुंदर वर्णन है कि मैंने उसको थोड़ा कंठस्थ किया। हसिया थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराया, हसी आप कहीं थे लगी लेना तत्व वाणी, एक तत्व की बात बता रहा हूं, सुनो भाई, सौवे कही तत्व कथा, अहंकार न सहेना ईश्वर सर्वथा। मेरे भाइयों ध्यान से सुनो, एक अच्छी बात समझ लो, एक चीज अगर ईश्वर किसी व्यक्ति के हृदय में सहन नहीं कर सकता वो है अहंकार। अहंकार न सहिना ईश्वर सर्वथा, जे जे गुणे मत्त होई करे अहंकार, अवश्य ईश्वर ताहा करे ना संहार। जिस गुण के ऊपर आपको आपको क्या बोलते हैं अहंकार है, आ मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, आ मैं बहुत अच्छा श्लोक बोलता हूँ, आ मेरे पास धन बल है, मेरे पास बाहुबल है, मेरे पास मंत्र बल है, मेरे पास तंत्र बल है, मेरे पास विद्या बल है, मेरे पास सैन्य बल है, जिस चीज के बारे में आपको अहंकार है उसी के तत्व को, उसी उसी अहंकार को निकालते। हय हय नहुष वेण बाण नरक रावण महादिग्विजयी सुनी अच्छ जे जे जन। अरे इतिहास में कितने सारे महा, केवल पृथ्वी पर नहीं पूरे ब्रह्मांड भ्रमण करते हुए दिग्विजय पंडित आए। हय हय कौन है? हय कार्तिक अर्जुन, नहुष जो स्वशरीर से इंद्र की पदवी को प्राप्त किया था, देवताओं ने आके कहा था कि इंद्र की पदवी खाली है, आप आ जाइए बैठ जाइए मनुष्य को। हय हय नहुष वेण बाणासुर, जो भगवान को ही आमंत्रित किया था, आह्वान किया था लड़ने के लिए। नरकासुर रावण महादिग्विजय सुनी अच्छ जे जे जन, बुझो देखी कार गर्व चूर्ण नहीं है, सर्वथा ईश्वर अहंकार नहीं सय। देखो आप ठंडे दिमाग से सोचो, कौन सा ऐसा दिग्विजय पंडित अंत में मिट्टी खा के मिट्टी में गया हो, गया उसका अहंकार चूर चूर करके भेजा भगवान। हेते के तहार जत विद्या अहंकार, दिखी रे एथा ही सब हुई रे संहार। बहुत विद्या अहंकार लेके आया है, नवद्वीप एक ऐसा स्थान है जो उसको नंबर बनाएगा। बोल के मुस्कुराने लगे और वहां बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी, और कहा जाता है गंगा के तट पर सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त जल्दी हो जाएगा 5 बजे, पर चंद्र उदय हो गया, और चंद्रोदय के समय में गंगा के तट पर ऐसे गंगा के शीतल और बहती गंगा में ऐसे चंद्र का एक प्रतिबिंब दिख रहा है, ऐसा मानो सिल्वर है ना, सिल्वरी लाइन, और वहां गंगा के तट पर महाप्रभु ऐसे बैठे हुए वीरासन पे बैठे हुए ऐसे ज्ञान मुद्रा में अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे। केशव कश्मीरी थोड़ा थका हुआ, बोले सब लोग तुम लोग हाथी घोड़ा सब टाइम में रखो, तो मुंह में बांध के रखो, मैं थोड़ा गंगा में थोड़ा घूम फिर के आता हूँ अकेला। केशव कश्मीरी वहां से चलते चलते आ गए और देखे कि हजारों शिष्य बैठे हुए और बीच में कोई एक ऐसा चमकता हुआ, ऐसा लग रहा है मानो हजारों तारों के बीच एक चंद्रमा चमक रहा है, हजारों देवताओं के बीच इंद्र बैठा हुआ है।
हजारों ब्राह्मणों के बीच बृहस्पति बैठे हुए, सारे ग्वाल वालों के बीच कृष्ण बैठे हुए, ऐसे संबोधन कर तत्पश्चात देता है कि कौन है ये बालक, और पीछे वहां कहीं खड़े हुए कौन है कौन नहीं निमाय पंडित। ओ मैंने सुना जब भी नवदीप में आया सब बोल रहे थे निमाय निमाय पंडित, अच्छा यही है वो निमाय। भ्रमण करते करते थोड़ा पास में आया, ऐसा बोलते निमाय उनके खड़े हुए, प्रणाम प्रणाम पंडित जी, आइए आइए आइए, और बड़े प्रेम से आसन पर बैठाया उनको और कहा कि हमने सुना है कि आप केशव भट्ट बहुत बड़े विद्वान है, आप इधर से भ्रमण किए हैं, और हृदय से बोल रहे थे बड़े प्रेम से, बड़े विद्वान है, कहा है सुना जाता है कि आप सरस्वती के महान भक्त हो, सरस्वती साक्षात आपकी जिह्वा के ऊपर होती है, कृपया कृपया हमें हमारे ऊपर थोड़ा चार शब्द बोलिए, गंगा जी के बारे में कुछ बोलिए। ऐसा शुरू किया, ऐसा नहीं कि कल का रट्टा मारा हुआ इंटर टिंकर लिटल स्टार, नहीं उसी समय कंपोज किया हुआ सुरंग, मतलब ऐसा दिमाग में ऐसा रच रहे हैं और मुंह से ऐसे बोल रहे हैं मानो गंगा का प्रवाह, दूसरा गंगा के बगल में तीसरा दूसरा गंगा बह रहा। एक घंटे के अंदर 100 4-4 लाइन वाला संस्कृत का श्लोक घर हमारे गुरु जी इतने महान है, छीखते भी है तो संस्कृत में छीखते हैं। तो ऐसे संस्कृत में बोले जा रहे हैं, एक घंटे में लगातार प्रवाह हो रहा है गंगा जी का, और पहली बार निमाय के शिष्यों ने ऐसी वक्ता ऐसे वक्तृत्व को सुना, उनकी जो नीचे के जबड़े थे नीचे गिर गया। ये मनुष्य नहीं है, कोई मनुष्य इस तरह से बोल नहीं सकता, इस तरह से बच नहीं सकता, निश्चित रूप से कोई तो सरस्वती की खास कृपा पात्र ये व्यक्ति है। और इस तरह से 100 श्लोक होने के बाद एक घंटे के बाद निमाय की ओर ऐसा लगा वाह, निमाय बोले वाह अद्भुत वक्तृत्व, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, धन्यवाद धन्यवाद, खास करके मुझे एक तो बहुत अच्छा लगा श्लोक और 62 श्लोक बोल दी। अब केशव कश्मीरी को मतलब 50% अगर ये होता ना हार्ट अटैक होता है तो ब्लॉक 50% ब्लॉक हो गया। मैं तो 100 श्लोक तूफान में से बोल गया, मेरे को याद नहीं कौन सा श्लोक बासठ को कैसे था। निमाय बड़े नम्र थे, जिस भगवान की कृपा से आप ऐसे रचते हैं उस भगवान की कृपा से थोड़ा थोड़ा मेरे को याद रखते हैं। हाँ तो महाशय इतना सुंदर श्लोक है, ये श्लोक बहुत अच्छा लगा, इसमें जो जो अलंकार है वो थोड़ा बताइए और इसमें जो जो दोष है वो भी थोड़ा बताइए। दोष मेरे मुख से निकले हुए श्लोकों में दोष, तुम क्या कह रहे हो, साक्षात सरस्वती देवी की कृपा से निकल दिए, इसमें दोष हो ही नहीं सकता। निमाय कहेंगे नहीं है, नहीं है। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, देखो ऐसे पांच इतने अलंकार, अलंकार पहले बोले अच्छा लगा, हृदय खुला, खोलने के बाद सर्दी, पहले खोलते हैं ना, खोलने के बिना सर्दी नहीं, पहले आपके शो के लिए अलंकार जबरदस्त है, ग्रामर सिखाने वाला टीचर है, ग्रामर का सब अलंकार तू देख रहा है, वेरी गुड, चला अच्छा लड़का है। और जब हृदय खोल गया तब बोले दोष नंबर एक, दोष नंबर दो, दोष नंबर तीन, दोष नंबर चार, पांच निकाले और बोले ऐसे बहुत है, पांच काफी है। पहली बार केशव कश्मीरी हक्के बक्के रह गए, कुछ बोलना चाहे उसके उत्तर में मुंह से कुछ आवाज नहीं,
कुछ आवाज नहीं, कुछ नहीं बोलने जा रहे, कुछ आवाज नहीं निकल रहा है। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, क्या हो रहा है। और सारे बच्चे ऐसे ही आप जैसे हंस रहे हैं वैसे हंस रहे, नहीं इसी जोर से हंस रहे। आप लोग वैष्णव एटिकेट, आपने वैष्णव आचार पढ़ा नहीं है क्या पब्लिक मीटिंग में? ऐसा नहीं हंसना है, बड़ों के सामने ऐसा हंसना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बिठा अब बोले भाषा, ऐसा लगता है कि आप बहुत थके, सुबह से हाथी घोड़ा पार के सबके बीच में आए और आप थोड़ा टहलने के लिए आए थे, थके होंगे। एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए जाके, कल सुबह जहां हमने समाप्त किया वहीं से चैप्टर शुरू करें। राकेश कृष्णी उठे और चलने लगे, गुस्सा भी आ रहा है, पूरा डिप्रेशन डिस्पोंडेंसी, मतलब जो जो भाव है सब नकारात्मक भाव हो गया। और सोच रहे हैं मैंने क्या गलती की, क्या मैंने पूजा में कभी कुछ किया, क्या मैं माता सरस्वती के प्रति कुछ अपराध किया कि आज उन्होंने मुझे इस तरह से छोड़ दिया। मेरे मुंह से दोष कैसे निकल सकता है। पहुंचे घर, घर जाके ले गए, कहा नींद, करवटे बदलते रहे सारी रात, आपकी कसम। तो फिर 2:30-3 बजे के करीब थोड़ा सा झपकी हुआ, अरे जापान में हम लोग सोते हैं तो ओके में सोते, थोड़ा झपकी लगा, झपकी लगते ही सर माता सरस्वती आ गए सपने, और आके खड़ी हो गई और संबोधित करते हुए कहती, केशव उठ, उठ मतलब ऐसा उठ नहीं, कहां तो सोया हुआ, जीव जागो, जीव जागो, बोले उठो। और कहने लगी, अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बता रही हूं, ध्यान से सुनो। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, सरस्वती माता ने कहा, जत किछु मंत्र तुमी जपिले आमार दिग्विजयी पद फल ना होए तहा। अरे तूने इतने सालों से मेरी भक्ति की, मेरी आराधना की, मेरा नाम जपा, जतो किछु मंत्र तुमी जपिले आमार, जितना तेरे जप किया है, दिग्विजयी पद फल ना होए तहा। अरे तू समझ रहा है कि मेरा आशीर्वाद है तुझे दिग्विजयी बना, नहीं। कहते हैं कि देवता दो प्रकार की कृपा करते हैं, एक है सकपट कृपा और दूसरा है निष्कपट कृपा। सकपट का मतलब जो आप मांगते हो, जो आप चाहते हो, वो जब देते हैं तो देवताओं ने आपके प्रति सकपट कृपा की, कपट है। पर जब भक्त कहता है कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, मुझे नहीं मालूम क्या मांगना, आपको जो ठीक लगे वो मुझे दो, तो निश्चित रूप से वो भगवान की ओर हमें जाने की प्रेरित करते हैं। अब हनुमान जी के पास जाओ और बोलो, हे मारुति दिला दे एक मारुति, मिल जाएगा निश्चित रूप से। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता असवर दीन दार की माला, अरे अष्ट सिद्धि देंगे, एक गाड़ी क्या है तेरा मारे मारे, प्रेमी और प्रेमी भी दिलवा लेंगे। पर आप कहेंगे कि मैं प्रभु एक नंबर का मूर्ख हूं, मुझे नहीं मालूम क्या मांगना है, आप जो ठीक समझे वो दे दे। हनुमान जी कहेंगे छाती फाड़ के तो रखा हूं मैं, जो मेरे हृदय को सबसे प्रिय है, नाम का रस ले। तो इस तरह से सरस्वती माता कहती है, जतो किछु मंत्र तुमी जपिले अमार दिग्विजयी पद फल ना होए तहा। मंत्रे जे फल तहा एदे से पाइला अनंत ब्रह्मांड नाथ साक्षात देखिला। अरे मूर्ख, आज तुझे असली कृपा मिली है मेरी, तू कोस रहा है, तू सोच रहा है अपराध किया, नहीं, तेरे अंदर कुछ तो प्रामाणिकता थी, वो देखकर आज तुझे मैंने असली कृपा की है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ जिनकी कृपा से मैं किसी को विद्या दे सकती हूं, बलम बलवताम चाहम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि। अरे जो कुछ भी शास्त्र, जो कुछ भी ज्ञान किसी को कहीं से मिलता है,
अंततः तो उन्हीं से आता है। और मूर्ख आज तुम उनके सामने बैठकर उनको सुना रहा है, तो मैं कैसे तेरी जीवा के ऊपर बैठू? मैं तो उनके पीठ के पीछे बैठ के दे रही थी तमाशा उल्लू का बैठा। ये मेरा तात्पर्य है। बोले एक अनंत ब्रह्मांड नाथ साक्षात देखिए, तो अभी करना क्या है? या शीघ्र विप्रतुगी इहान चरणे देह गया समर्पण करो उहाने। उठ, अभी उठ जा, बस सो गया, बहुत सो गया, अहंकार के मदोन्नत होके तो लेटा हुआ है नशे में, उठ और भागते हुए जा और मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ लेके तुरंत उनकी शरण जा। देह गया समर्पण करो उहाने, पूर्ण रूप से समर्पण हो जा। तो सोच सकता है कि ना सपना, ये सब सपना में हो रहा है, तो एक्स्ट्रा थोड़ा नशा हो गया है। नहीं, स्वप्न हेरा नामानि हो ये सब वचन मंत्र वशे कहिलाम वेद संगोपन। अरे तू स्वप्न मत समझ, तेरे मंत्र के वश में आकर थोड़ी तो कुछ तो प्रमाणिकता है कि आज वेदों में भी जो रहस्य है अंतर्द्वीप में भगवान ने ब्रह्मा जी को साक्षात्कार करते हुए बताया था, ये रहस्य शास्त्रों में मत लिखना क्योंकि ये छन अवतार है, ये अवतार कलयुग में होने वाला, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप को अवतार मान रहा है। और इसीलिए तुम वेदों में एक गुह्य बात रखना, मेरे आने के बाद लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि शास्त्र का लिख के इस शोक का मतलब क्या। पर वो रहस्य बात मैं तुझे आज बता रहा, मंत्र वशे को हिला वेद संगोपन, ये सुनते ही केशव कश्मीरी उठे, ना ब्रश लिया ना कोलगेट लिया ना कुछ लिया, उठ के जो भागे सीधा, क्योंकि पता नहीं मृत्यु कभी भी आ सकती है। बोले काल करे सो आज कर, आज कर आज करे सो अब, सीधा गए सुबह सुबह 3:30 भी पूछ रहे कौन दरवाजा खोलते महाप्रभु ने दरवाजा खोल फ्लैट एकदम पकड़ लिए, बोले प्रभु अभी नहीं छोड़ने वाला। और महापंडित कह रहे, अरे महाशय क्या कह रहे हो आप, ऊपर में बड़े हो, अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया, अभी सरस्वती माता ने सब कुछ बता दिया, अब आप मुझे धोखा मत दो प्रभु, अब आप मुझे धोखा मत दो, अब मैं जानता हूं आपको, मैं आपकी क्षमा याचना कर रहा हूं, बहुत हो गया। और फिर मुझे सारा जो सर्टिफिकेट था फाड़ फाड़ के फेंक गए, हाँ, बोले अब आप मुझ पर कृपा करो ताकि फिर से अहंकार कभी ना हो और आपके हमेशा मैं शरण रखूं। और तब महाप्रभु ने बड़े सुंदर तरीके से उनको संबोधित किया, उन पर कृपा की, वहां से निकला जैसे केशव कश्मीरी वहां से निकले बाहर, हाथी घोड़ा पाल के बोले यार सब मार्केट जिसको जिसको ले जाना था 100% डिस्काउंट। बोले ब्राह्मण लोग, अरे ब्राह्मण हम क्या करेंगे, हमको भी बेचोगे डिस्काउंट? बोले नहीं, एक काम करो, जितना मेरे पास खजाना पैसा है तुम लोग सब भटवारा कर लो, तुम लोग भी चले जाओ। सबको भेज दिया सुबह सुबह होने के पहले, ताकि सूर्योदय से पहले सबको भेज दिया, चप्पल भी अपना निकाल दिए और एक वस्त्र पहनकर सिंपल व्यक्ति एक शरणागत होकर नवद्वीप से निकल पड़े, आंखों में आंसुओं की धारा और हृदय में कृष्ण प्रेम। बोले अहो भाग्य, आज साक्षात सरस्वती माता सरस्वती की कृपा से आज मैं समझ पाया कि महाप्रभु कौन, और आज मैं उनकी शरण गया। और बाद में कहे जाते हैं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर ग्रंथ है, विद्वान तो थे ही, सरस्वती माता की कृपा तो थी, अद्भुत ग्रंथों की रचना की। तो इस तरह से ये एक कथा यहां सुनने योग्य है, क्योंकि यहां निम्बार्काचार्य को कृपा मिली और उस लीला में महाप्रभु इनके द्वारा एक अद्भुत शिक्षा प्रदान की। प्रणामी सुनी सहिष्णुता, इस तरह से बहुत सारे और बहुत लीलाएं यहां हुई है, हमने आज से
सुंदर में थोड़ा बहुत चार पांच प्रमुख चीजें जो हमसे संबंध इधर से करता गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब प्रार्थना कीजिए इस स्थान पे हम लोग कुछ प्रार्थना कर सकते हैं। एक ये साक्ष्य धाम है, साक्ष्य नवदा भक्ति का, तो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो हमेशा बने रहे। हमारे शुभ चिंतक के रूप में जो भगवान बैठे हुए हैं और ज्ञान और स्मरण लेने के लिए तैयार है, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और खास करके कलयुग के युगावतार जो ये श्लोक बोले हैं त्रिनावति सुनिश्चय, इसका एक बूंद मतलब इस सिंधु का एक बिंदु भी अगर हमारे हृदय में थोड़ी नम्रता, अगर थोड़ा बहुत और सहनशीलता, थोड़ा बहुत लोगों को मान देना, मतलब आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन से थोड़ा एक बेबी स्टेप भी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी जो यात्रा है, लंबी यात्रा है, उसके लिए मार्ग बहुत सुलभ। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री मदन गोपाल देव की, श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की,